15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। तो दोस्तों 15 नवंबर को भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी को देखते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और आदिवासी समाज की योगदान, समृद्ध संस्कृति, विरासत और धरोहरों को याद करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। तो दोस्तों आदिवासी समाज का जो है योगदान भारत देश के राष्ट्र निर्माण में क्या था, साथ ही साथ आदिवासी समाज का जो है संस्कृति किस प्रकार से है और उसका जो विरासत है और साथ साथ उनका जो धरोहर है, इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए हम लोग 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। इनका जो योगदान था वह राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि स्वतंत्रता संग्रामों में भी बहुत ज़्यादा था, और इसमें साथ साथ इनका जो है योगदान किस प्रकार से था, इनका जो संस्कृति किस प्रकार से, इन सारी चीज़ों को जानकारी रखने के लिए इसका उद्देश्य इसी प्रकार से हम लोग 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार 15 नवंबर का दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर इस दिवस को मनाने का फैसला किया। तो भारत सरकार के द्वारा जो है 15 नवंबर को ही इस दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और इस दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, तो इसी दिन को लेकर के पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जो थे वह आदिवासी मुंडा थे, और इन्होंने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, और इनका जो जन्मदिन था वह है आपका 15 नवंबर 1875। तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इनका जो है धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता भी माना जाता है, और यहाँ पे जनजातियों में या फिर कह सकते हैं कि आदिवासियों में इन्हें भगवान का भी दर्जा दिया गया है, तो इन्हें भगवान माना जाता है। तो इन्हीं का जो जन्मदिन है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को ही भारत सरकार की ओर से जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया गया। उसके बाद है जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत 15 नवंबर 2021 से हुआ है। तो इसको जो यानी इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई वह 15 नवंबर 2021 से हुआ है, और अभी जो है 2022 चल रहा है, यानी कि यह इस बार दूसरी बार मनाया जाएगा। भारत देश के नायक, भारत देश के निर्माण गठन में अनेक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ अनेक गुमनाम आदिवासी नायकों का भी भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो दोस्तों भारत देश का जो निर्माण हुआ, भारत देश का जो गठन हुआ, उनमें अनेक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिनका योगदान अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। साथ ही साथ अनेक ऐसे गुमनाम आदिवासी नायक भी रहे जो भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बहुत सारे गुमनाम आदिवासी भी रहे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा, लेकिन इनका जो है योगदान है वह बहुत ही ज़्यादा है। जब से अंग्रेज लोगों को हटाना हुआ तब से लेकर के अभी तक आदिवासियों का जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, रानी गांडिल्यू, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव जो मुर्मू बंधु हैं, साथ साथ फूलो झानू, श्री अल्लूराम सीताराम राजू आदि जैसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भी अपने योगदान से इस देश को बहुत कुछ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जो हैं, साथ साथ वीर नारायण सिंह, रानी गांडिल्यू, सिद्धो कान्हू चांद भैरव, ये जो चारों हैं ये मुर्मू बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। साथ साथ इनकी जो बहन है फूलो और झानो, ये मुर्मू बंधुओं की बहन थे, और श्री अल्लूराम सीताराम राजू, इस प्रकार के अनेक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भी अपने योगदान से इस देश को बहुत कुछ दिया है। तो इन सभी वीर आदिवासी नायकों को सत 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 नमन करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम अभी जो चीज़ें हैं स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं, और अपना देश भी जो है वह बहुत ही अच्छे तरीके से अभी चल रही है। तो इन सभी आदिवासी नायकों को सत सत नमन है। तो ये जो है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, इनका जो है योगदान अपने अपने क्षेत्रों पर बहुत ही अच्छे तरीके से हुए, और इन्होंने ही अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान बहुत ज़्यादा था, और साथ ही साथ आदिवासी समाज का जो है योगदान तो हमेशा से ही रहा है। ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो ये लोग प्रकृति के साथ भी प्रेम करते हैं, और साथ साथ में इनका जो संस्कृति है वो भी बहुत अच्छी है, इनका जो विरासत है
और इनका जो धरोहर है उन्हीं सारी चीज़ों को याद करने के उद्देश्य से ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।